नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंगिरश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब आखिरकार पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है, यह आप सभी लोग जानते हैं। हो सकता है आप लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी लैंड को परचेज किया हो, किसी लैंड को सेल किया हो, या फिर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी की बाय और सेल करने की। तो ऐसी कंडीशन में उस पावर ऑफ अटॉर्नी की कानून की नजर में क्या वैल्यू होती है, क्या उसे लीगल माना जाता है, क्या उसे इलीगल माना जाता है? क्योंकि 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी जिसके तहत ये गाइडलाइंस वहां पर निर्धारित कर दी गई थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको वहां पर रजिस्टर्ड ना किया जाए। ऐसा रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज को गाइडलाइंस दे दी गई थी। अब इसके बावजूद अगर आप लोगों ने किसी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीदा है या फिर बेचा है, या फिर इस जजमेंट के आने से पहले आप ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी को पीओए के माध्यम से खरीद या बेच चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसकी वैलिडिटी क्या होगी, यह सारी चर्चा हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड किसी भी वीडियो को आज तक मेरे चैनल पर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज की अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देखते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड आपकी जो भी कोई कंफ्यूजन है कि अगर अटॉर्नी नोटराइज है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, इसी तरह के जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज आपको मैं वो सारी क्लियर करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार से रोजाना इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन यहां पर पुट कर लिया जाए। अब लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं कि सर, आप यहां पर डिस्प्ले पर जो इंग्लिश में शो करते हैं उसे शो ना करते हुए केवल हिंदी में हम लोगों को समझा दीजिए। देखिए दोस्तों, अब मैं चाहूं तो जैसे आप लोगों से हिंदी में यहां पर कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं, इसी तरीके से आप लोगों को बिना डिस्प्ले पर कुछ दिखाए और समझाए आपको डायरेक्टली हिंदी में बता सकता हूं। बट यहां पर क्या कंफ्यूजन होगी दोस्तों, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, चाहे वो सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ऐसी कंडीशन में वहां पर जो भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री पास की जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पास की जाती है दोस्तों। अब मेरे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं आप लोगों के सामने उस जजमेंट या ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ पेश कर दूं और आप लोग उसे देखकर समझते रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसको साथ साथ आप लोगों को क्लियर करूं तो बाद में आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों के लिए एफर्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, तो उसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, आप लोगों को जजमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं यहां पर आपको साथ साथ उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाता रहता हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर वीडियो में बात करते हैं आखिरकार पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है, क्योंकि हो सकता है बहुत से व्यूअर्स चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। तो देखिए दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी एक डॉक्यूमेंट ही होता है, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये पावर प्रोवाइड कराते हैं कि यहां पर वो आपके बिहाफ से किसी एक्शन को ले सके। जैसे कि दोस्तों, हमारा इंडियन स्टैम्प एक्ट है या फिर हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट है, वहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। जैसे कि मान लेते हैं राम और श्याम दो भाई हैं, राम अपनी प्रॉपर्टी यहां पर बेचना चाहता है, पर बिजनेस में काफी ज्यादा बिजी होने की वजह से, या फिर राम मान लेते हैं इंडिया के बाहर रहता है, ऐसी कंडीशन में वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इंडिया में नहीं आ सकता। ऐसी कंडीशन में राम श्याम को एक डॉक्यूमेंट बनाकर देगा जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाएगा, और श्याम यहां पर उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए राम की प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ऐसी कंडीशन में यहां पर उस श्याम के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाएगा कि उसने राम की प्रॉपर्टी को बेच दिया, क्योंकि राम ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से श्याम को खुद ऑथराइज किया था उसकी वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए। इसे ही दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आखिरकार पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है। देखिए बेसिकली दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। वो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों हो सकती है, वो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप समझे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है दोस्तों, जहां पर जनरली हर प्रकार के जो एक्टिविटीज होती है वो व्यक्ति
जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से वहां पर ऑथराइज किया गया है वो व्यक्ति कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक यहाँ पर बहुत बड़ा मिलियनर या बिलियनर है, वो वहां पर अपने बैंक से रिलेटेड कार्य, कोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य, प्रॉपर्टी को सेल परचेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, वो हर चीज तो खुद नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में वो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर अपने किसी एजेंट को ऑथराइज कर देगा कि वो वहां पर उसके ये सभी एक्टिविटी वो वहां पर जाकर कर सकता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा वाइड होता है, यानी उसके अंदर काफी ज्यादा एक्टिविटी की जा सकती है। जबकि बात करें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो दोस्तों स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में केवल एक स्पेसिफाइड एक्ट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में यह मेंशन है कि मुंबई में लोकेटेड मेरी एक प्रॉपर्टी को बेचना है, तो जिस एजेंट को वो अटॉर्नी दी गई है वो केवल उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए उस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा वो कहीं पर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जैसे ही वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है, वैसे ही उस अटॉर्नी को अकम्प्लिश मान लिया जाता है, यानी कि उस अटॉर्नी का काम पूरा हो गया। अब दोस्तों बात आए अटॉर्नी की वैल्यू की, कि आखिरकार अटॉर्नी कब तक वैलिड मानी जाती है कानून की नजर में। देखिए दोस्तों, एक अटॉर्नी कानून की नजर में दो कंडीशन पे वैलिड मानी जाती है, या तो अगर उसे यहां पर रिवोक ना किया गया, रिवोक का मतलब दोस्तों कैंसल ना किया गया हो। वो कैसे करते हैं, जिसने वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है यानी कि जो उसका रियल ओनर है, वो यहां पर जो उसका एजेंट है उसको एक लीगल नोटिस भेजकर ये चीज अप्रूव कराता है कि यहां पर उस अटॉर्नी को अब रिवोक कर दिया गया है और अब यहां पर इस अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ट्रांजेक्शन ना की जाए। ठीक इसी प्रकार से अगर यहां पर जो अटॉर्नी को बनाने वाला है या फिर जो एजेंट है जिसको वो अटॉर्नी दी गई है, ऐसी कंडीशन में अगर उन दोनों में से किसी का भी देहांत हो जाए तो उस अटॉर्नी को वहां पर रिवोक भी माना जाएगा। अब दोस्तों अटॉर्नी में यहां पर दो चीजें देखी जाती है, या तो वो ड्यूरेबल होती है, नॉन ड्यूरेबल, यानी कि या तो वो व्यक्ति की डेथ होने के बाद भी एप्लीकेबल मानी जाएगी या फिर ऐसा नहीं है। ये चीज कब एप्लीकेबल होगी, ये चीज आप लोगों को स्पेशली क्लोज में मेंशन करनी होगी जब भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हो, कि यहां पर इस अटॉर्नी के अंदर हम ये चीज अलाउड कर रहे हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, यानी कि सॉरी आफ्टर द डेथ ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी मेकर, यानी कि जिसने वो अटॉर्नी बनाई है उसकी डेथ के बाद भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी वैल्यू रखेगी। ये चीज उसमें स्पेशली क्लोज में मेंशन करनी पड़ती है। अब दोस्तों बात आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल ज्यादातर लोग कब और किस सिचुएशन में करते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादातर सिचुएशन में यह देखा गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल एनआरआई, यानी कि वो सिटीजन जो इंडिया के बाहर अब रहते हैं, अपनी इंडिया की प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए आजकल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अनऑथराइज सेक्टर्स भी होते हैं जहां पर रजिस्ट्री नहीं कराई जाती, ऐसी कंडीशन में भी उन प्रॉपर्टीज को सेल परचेज करने के लिए आज भी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो हमें पता है ऐसा किया जा रहा है, पर क्या कानून में ये लीगल माना जाएगा, ये चीज वो हमें साथ साथ क्लियर करें। तो मैं आपको कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी अकेली नहीं बनाई जाती, वहां पर अगर किसी को प्रॉपर्टी सेल आउट की जा रही है तो अटॉर्नी के साथ साथ एक सेल एग्रीमेंट भी यहां पर विक्रेता द्वारा बनाया जाता है। सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने पर आप लोगों को यह फायदा रहता है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 53A इस्तेमाल करके या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत उस एग्रीमेंट में लिखे टर्म्स कंडीशन को सामने वाली पार्टी से जबरन फॉलो करवा सकते हैं जब वो उसे फॉलो करने से मना करे, यानी कि प्रॉपर्टी को सेल करने से मना करे, परचेज करने से मना करे। ऐसी कंडीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ एक सेल एग्रीमेंट भी बनाया जाता है। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है? जी हाँ दोस्तों, एक पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती। अगर एक यहां पर माना जाए पावर ऑफ अटॉर्नी नोटराइज है, तो क्या कानून के नजर में उसकी कोई वैल्यू रहेगी? जी हाँ दोस्तों, एक नोटराइज पावर ऑफ अटॉर्नी को भी कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसकी कानून के नजर में पूरी पूरी वैल्यू होती है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या उन्हें लीगल माना जाएगा या उन्हें इलीगल माना जाएगा? तो दोस्तों इस चीज को हम यहां पर आप लोगों को आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट बताते हुए ये सारे पॉइंट्स आपके वहां पर क्लियर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराए मत, पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड एक एक सिंगल इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो से क्लियर पूरी करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2011 की एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड थी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को केस टाइटल दिखाई देगा, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जजमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एज वेल एज लैंडमार्क जजमेंट यहां पर साबित हुई। इस जजमेंट के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई कि अगर इस तरीके के कोई कर रहा है इसका इस्तेमाल तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। पर क्या आखिरकार ऐसा है, क्या आखिरकार ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सच में कहा था, यह चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं।
देखिए दोस्तों, अब आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहां पर ध्यान से देखकर समझना है, तभी आपको ये जजमेंट क्लियर होगी, वरना मैं आपको गारंटी देता हूं आप कंफ्यूज रह जाएंगे कि यहां पर आखिरकार कहा क्या गया था। देखिएगा, अब पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन रिगार्ड टू एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता जिसकी मदद से किसी राइट टाइटल या इंटरेस्ट को किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है उसे ट्रांसफर किया जाए। यहां पर जो थ्री ऑनरेबल जजेस की बेंचेस थी जिसको यहां पर हेड किया था ऑनरेबल जस्टिस आर वी रिवदन ने, वहां पर कहा था दैट प्रॉपर्टी कैन लीगली बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड, कि एक जो प्रॉपर्टी है उसे रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही ट्रांसफर किया जाना चाहिए, और पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके माध्यम से राइट टाइटल या इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाए। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों, सर ऐसी कंडीशन में क्या होगा जब ये जजमेंट ही नहीं आए और इससे पहले ऑलरेडी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से यहां पर कोई ट्रांसफर कर दिया गया हो, या फिर इस जजमेंट के आने के बाद भी अगर कोई ट्रांसफर किया गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब यह चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, डिस्प्ले पर आप ध्यान से देखेगा, जजमेंट विच केम आफ्टर इंटरप्रिटेटिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ द लॉ कंसर्निंग प्रॉपर्टी सेल, यानी कि ये जो जजमेंट है ये बहुत से प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करने के बाद पास की गई, एंड वुड नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ सेल एग्रीमेंट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटिव इन जेन्युइन ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर कोई ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी है या सेल एग्रीमेंट है जिनके अंदर जेन्युइन ट्रांजैक्शन की गई है, वहां पर उन ट्रांजैक्शन में पावर ऑफ अटॉर्नी को अवैध नहीं ठहराया जाएगा। हो रहा है क्या दोस्तों आप लोगों को क्लियर? आप लोगों ने सिर्फ एक मेंटेलिटी बना लिया, सर अब पावर ऑफ अटॉर्नी से यहां पर सेल डीड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, सेल एग्रीमेंट नहीं बना सकते। यहां पर कहा गया है कि अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो पावर ऑफ अटॉर्नी तब भी वैलिड मानी जाएगी। ये उन केसेस में है जब ये जजमेंट आने से पहले ट्रांजैक्शन की जा चुकी है या फिर इसके बाद की गई है। इसके अलावा भी कुछ चीजें कही हैं, वो भी आप यहां से ध्यान से देखेगा दोस्तों। देखेगा, टॉप कोर्ट यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिटेड स्पेसिफिक एग्जाम्पल इलेबोरेट ऑन जेन्युइन केसेस, यानी कि जेन्युइन केसेस कौन से होते हैं इससे रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि पर्सन में गिव अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू हिज स्पाउस, यानी कि जो एक आदमी है व्यक्ति है अपनी पति पत्नी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, उसे जेन्युइन माना जाएगा। सन बेटे को, डॉटर बेटी को, ब्रदर सिस्टर भाई बहन को और किसी रिलेटिव को जो क्लोज हो तो और ज्यादा अच्छा है, टू मैनेज इज अफेयर और एग्जीक्यूट अ डीड ऑफ कन्वीनियंस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्लोज रिलेटिव ब्लड रिलेशन में पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है तो उसे कानून की नजर में आज भी लीगल माना जाएगा। इट सेड व्हाइल स्टेटिंग दैट म्युनिसिपल बॉडी, यानी कि इसके अलावा म्युनिसिपल बॉडीज जो हैं शुड नॉट एंटरटेन म्यूटेशन रिक्वेस्ट, अगर इस जजमेंट के आने के बाद कोई म्यूटेशन रिक्वेस्ट आ रही है किससे रिलेटेड, फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि चेंज कर दिया जाए चेंज हैंड थ्रू जीपीए, इट क्लैरिफाइड दैट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड शुड नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द वर्डिक्ट। यानी कि दोस्तों, जो यहां पर इस जजमेंट से आने से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन की जा चुकी है पीओए के माध्यम से, ऐसी कंडीशन में अगर वहां पर म्युनिसिपल बॉडीज यानी कि यहां पर नगर निगम के अंदर कोई रिक्वेस्ट डालता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया और अब यहां पर जो अटॉर्नी के माध्यम से प्रॉपर्टी भेजी गई थी उसको कैंसिल करते म्यूटेशन में किसी और का नाम चढ़ा दे, मेरा नाम चढ़ा दे, तो वो चीज वहां पर एप्लीकेबल ना की जाए, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया था। अब इसके बाद दोस्तों, साल 2022 के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर लूं। देखिए दोस्तों, जजमेंट का नाम है अमरनाथ वर्सेस ज्ञानचंद, बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया आप लोग डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी 2022 यानी कि साल 2022 के अंदर क्या कहा गया, वर्बल कैंसिलेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट वैलिड। यानी कि अगर आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दी है और आप उसे लीगल नोटिस भेजकर या लीगल प्रोसेस से उस अटॉर्नी को कैंसिल नहीं कर रहे, रिवोक नहीं कर रहे और केवल मौखिक रूप से कह रहे हैं कि आज से ये वैलिड नहीं रहेगी, तो उसकी कानूनी नजर में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, किसकी, वर्बल कैंसिलेशन की। व्हाइल डिलीवरिंग इट्स ऑर्डर देयर द पीओए होल्डर वेंट अहेड विद द सेल ऑफ प्रॉपर्टी डिस्पाइट द प्रॉपर्टी ओनर कैंसिलिंग द पीओए वर्बली, एपेक्स कोर्ट सेड दैट, अब यहां से ध्यान दीजिएगा क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कुड सेल एंड रजिस्टर द प्रॉपर्टी बाय प्रोड्यूसिंग अ कॉपी ऑफ पीओए एंड ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओरिजिनल कॉपी। यानी कि दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप केवल वर्बली कैंसिल कर रहे हैं कि भाई अब यहां पर अटॉर्नी की कोई वैल्यू नहीं है, बट उसे लीगली नहीं कर रहे कैंसिल, कोई नोटिस नहीं भेज रहे, कोई पब्लिकेशन नहीं कर रहे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर जिसने आपको अटॉर्नी दी थी, आपने जिसको अटॉर्नी दी थी वो वहां पर उसकी कॉपी का इस्तेमाल करके भी प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दे, तो वो भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वर्बली कैंसिल यानी कि मौखिक रूप से कैंसिल करना कोर्ट की नजर में कोई भी वैल्यू नहीं रखेगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, अटॉर्नी बनाते समय, कोई प्रॉपर्टी सेल करते समय, परचेस करते समय बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी आपकी ये जजमेंट, कि वर्बली कैंसिल करना कोई भी कानून की नजर में मान्य नहीं रखता, आपको उसे लीगल प्रोसेस जो है उसके तहत ही कैंसिल करना होगा।
अब दोस्तों यहां पर हम देखिए एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों जजमेंट का नाम है उमा देवी नंबियार वर्सेस थामर एसएई रोमन कैथोलिक डायोसिस। साल 2022 की ही ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। अब इसके अंदर क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, पावर टू सेल इज नॉट टू बी इन्फर्ड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी व्हिच हैज टू बी कंस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्टली। यानी कि अगर आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ क्लोजेस को स्पेशली मेंशन करना होगा। अगर वो क्लोजेस स्पेशली मेंशन नहीं कहे गए तो एजेंट जो है वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। देखिए यहां भी लिखा है एजेंट वुड हैव पावर टू सेल, एजेंट जो है उसके पास पावर सेल करने की तभी होगी only if the document expressly authorize him or her, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट में उसे स्पेशली ऑथराइज किया गया है उसको सेल करने के लिए। जैसे कि क्या क्या स्पेशली ऑथराइज किया होना चाहिए, एग्जीक्यूट अ सेल डीड की उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होना चाहिए अटॉर्नी में कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रेजेंट इट फॉर रजिस्ट्रेशन उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकता है, एडमिट एग्जीक्यूशन बिफोर द रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी यानी कि जो उसका एग्जीक्यूशन है उसे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने भी एग्जीक्यूट करा सकता है। बेसिकली दोस्तों इससे आपको समझना ये होगा कि जब भी अटॉर्नी बनाई जाएगी उसके अंदर स्पेशली क्लोज जब तक ये मेंशन नहीं किया गया कि आप उस अटॉर्नी को बेच सकते हैं तब तक आप बेच नहीं सकते, जो उसके अंदर अगर स्पेशली ये मेंशन नहीं किया गया कि उसे लीज पर दे सकते हैं तब तक आप लीज पर नहीं दे सकते। बेसिकली स्पेशली क्लोज वहां पर ऐड करना जरूरी है जिस भी एक्शन के लिए उस अटॉर्नी को बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर दिल्ली सिचुएटेड हूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी साल 2019 के अंदर अब जहां पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कराई गई है वहां पर उन कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर पीओए के माध्यम से जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते आ रहा हूँ अटॉर्नी के माध्यम से ही सेल परचेस किया जा रहा है तो उनको भी लीगल सेंसिटी प्रोवाइड करा दी है यानी कि उसको भी मान्यता प्राप्त करा दी है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर आपकी पीओए जेन्युइन है, सामने वाली पार्टी के पास कोई ऑब्जेक्शन का रियल कारण नहीं है तो उसको लीगल सेंसिटी मिल जाएगी, उसको कानूनी मान्यता मिल जाएगी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आपको मैंने आज की वीडियो में पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड बेसिक से बेसिक जानकारी, लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट, क्या एक पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना वैलिड है इनवैलिड, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड कराया गया है, उसके अंदर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं। और मैंने आपको जितनी भी जजमेंट आप बताई जैसे कि सूरज लैंप वाली हो गई, यहाँ पर उमानंद वाली हो गई, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जजमेंट पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं जिसके अंदर केस के फैक्ट्स बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जजमेंट का नाम लिख सकते हैं, मैं वो सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप किसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।